हाय मेडोसी फैमिली। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। ठीक है, तो देखो, ये जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना इस वीडियो को यूज़ कर और इस इंडिकेटर को यूज़ कर कैसे प्रॉफिट करोगे। ठीक है, डोंशन चैनल है, ठीक है ना? क्या है डोंशन चैनल? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे आपको ये चैनल मिल जाएगा, डोंशन चैनल। ठीक है, डॉन्शन चैनल। अब देखो इसमें प्रॉफिट कैसे करना है, देखो सुनो, अब इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, $50 सेट है ना। अब आपके पास में अगर $100 का कैपिटल है ना, या $50 का कैपिटल है, तो देखो ट्रेड लॉस होती है ना, उसको रिकवरी कैसे करना है, इस चीज़ को बस माइंड में बिठा लो। ट्रेड लॉस होती है तो रिकवरी कैसे करना है, इस माइंड में बिठा लो। MTG लॉस होती है तो कैसे रिकवरी करना है, और श्योर श्योर ट्रेड कैसे लेनी है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो डॉन्शन चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है ना, लोग इसको यूज़ करके बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, जिसको नॉलेज होगी वही प्रॉफिट बनाएगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाएगा। ठीक है, आपको अगर डॉन्चन चैनल अगर आप यूज़ कर रहे हो ना किसी भी चार्ट में, ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है देखो, सिंपल सुन लो। जो बीच वाली लाइन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, आपको बस बीच वाली से वाली लाइन को देखना है। ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान देना, मेरे माउस के सर्कल पर ध्यान दो। इस बीच वाली लाइन को कोई भी कैंडल किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करे, क्या करे, कोई भी कैंडल किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करे, आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यस, बिल्कुल समझ में आएगी आपके। अगर पुट डायरेक्शन नीचे की तरफ ब्रेक करे तो आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, अगर कॉल डायरेक्शन ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आपके पास में $100 का कैपिटल, अगर आपने $2 भी यूज़ किया, ठीक है ना, शॉर्ट शॉर्ट लगाने के लिए, तो लॉस हुआ MTG कितना लिया, 4%, सॉरी $4, तो कितना टोटल लॉस हुआ, 4 और 2 6 डॉलर। ठीक है, अब $6 आपका लॉस हो चुका है, लेकिन जो आपको नेक्स्ट जो ट्रेड लेनी है ना, और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे, वो आपको $3 की लेनी है। क्या करनी है, $3। रिकवरी के चक्कर में कैपिटल को जीरो नहीं करते, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर सोचो $3 की अगर आपने ट्रेड ली, अगर आपको दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिल जाती है उसके बाद में नेक्स्ट, तो आपका कैपिटल जो आपने लॉस किया है वो $6, वो आपका रिकवरी हुआ। यस, तो नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आप अपना कैपिटल का 10% 5% डेली का अपना गेन कर रहेंगे आप, सिर्फ इसी वीडियो को देखकर। मैं इतना श्योर हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न बता रखे हैं, तो आपको उनको भी देखना होगा और एंड इस चीज को भी आपको देखना ही होगा। ओके, एंड एक और बात ध्यान रख लेना, आज डेट है 12, 12 अगस्त, ठीक है, लेकिन कल वीडियो आएगी 13 अगस्त को एक यूट्यूब पर, उस पैटर्न्स को भी आपको नॉलेज में थोड़ा ध्यान में रखकर चलना होगा। लेकिन मैं आप लोगों के, वो यूट्यूब पे भी होगी लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वो चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे दूंगा तो वो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो इंडिकेटर यूज बता रहा हूँ ना, ये चेंज हो जाएगा जरूर, इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा इसे, सिर्फ आप लोगों के लिए ही। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो चीज थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि इस इंडिकेटर में बीच वाली जो लाइन है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कैंडल ब्रेक करता है तो आपको सेम डायरेक्शन में जाना होता है। ओके, जैसे कि रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो रेड कैंडल, ग्रीन ले रहा है तो ग्रीन में जाना है। मल्टीकल जरूर यूज करना, क्योंकि मल्टीकल कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जो मल्टीकल पे विन होती हैं, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रही है, यस मल्टीकल विन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको इस चीज को यूज करना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, मनी मैनेजमेंट के साथ में आप चलो बस। अब देखो ये रेड कैंडल है, यस इस रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में, उसके बाद में आप यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, लॉस होगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे लेंगे तो लॉस होगी। लेकिन तीसरा कैंडल ये मार्केट लेके आ गई है, लेकिन जब मार्केट अगर लॉस भी हो जाए ना, MTG भी लॉस हो जाए, तो घबराते नहीं है, छोटे से कैपिटल से आराम से रिकवरी हो जाता है। लेकिन आप इमोशन में आके कैपिटल को जीरो करते, ये गलती आपकी है। मार्केट में पैटर्न्स भी फॉलो होते हैं, सारी चीजें फॉलो होती हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों का। लेकिन जो मैं YouTube पे बताऊंगा, थोड़ा सा बात मेरी समझ लेना, ठीक है, जो YouTube पे बताया मैंने, कल जो वीडियो आएगी 13 अगस्त को, उस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको ट्रिक को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक रेड कैंडल आता है, तो उसके बाद भी एक नेक्स्ट कैंडल रेड ही आता है। ठीक है, मार्केट के अंदर में एक ये न्यू पैटर्न अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक रेड कैंडल आता है, तो उसके बाद भी एक रेड कैंडल आता है। यस बिल्कुल, यहाँ देखो मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड, उसके बाद भी एक रेड कैंडल ही आता है। बात समझ में आ रही है? ओके, दो बैक टू बैक ग्रीन, उसके बाद में एक रेड आता है, उसके बाद भी एक रेड कैंडल आता है, देखने को आपको मिलेगा।
और इस बीच वाली लाइन को थोड़ा सा यूज करो। और एक और बात मैं बोलूंगा, थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, थोड़ा सा इग्नोर करना एक चीज को। किस चीज को? ये जो बड़े बड़े कैंडल होते हैं, क्योंकि जब मार्केट बड़े बड़े कैंडलों को बड़े बड़े कैंडल बनाती है, तो वहां पर जो चीजें होती है ना, जो पैटर्न होते हैं, वहां पर फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े कैंडलों में ट्रेड मत करो, कोई नहीं, छोटे छोटे कैंडल, अच्छी मार्केट होती है तभी आप ट्रेड करो, आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो मेरी बात, देखो यहाँ पर एक वी पैटर्न भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में पुट डायरेक्शन, एक पुट डायरेक्शन में ही इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पर आप समझ लेना, इतना बड़ा कैंडल जो चार कैंडलों को पूरा ब्रेक करता रहा, 1 2 3 चौथे कैंडल को भी यहाँ तक ब्रेक कर रहा है नीचे तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं, होते हैं और नहीं भी होते, तो यहाँ पर रिस्क होती है, तो हमको रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से ट्रेड प्लेस नहीं करनी होती है। मार्केट को, कैंडलों को देखकर आप लोगों को जज करना चाहिए कि मार्केट अच्छी है कहाँ बुरी है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको यूज कर इस तरीके से प्रॉफिट करना है, सिंपल सा छोटी सी वीडियो बनाइए, यूज करो, प्रॉफिट करो, डेमो में करो और मुझे आराम से फीडबैक सेंड करो। और जो चीज मैंने बोली है ना कि दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो दो बैक टू बैक ग्रीन, उसके बाद में एक रेड, तो उसके बाद में भी एक रेड कैंडल आता है, तो यहाँ पर आप रेड कैंडल पर ट्रेड लेंगे लेकिन लॉस हो गया, लेकिन मार्टिकल यहाँ पर विन आपका ऑलवेज हो जाता है, ठीक है ना। तो दो बैक टू बैक ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, दो बैक टू बैक ग्रीन, रेड, फिर रेड पे लेनी है ट्रेड आपको। दो बैक टू बैक रेड, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, सॉरी दो बैक टू बैक रेड, सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, यस, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड, उसके बाद भी एक रेड आता है, ठीक है। इस चीज को विशेष में ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको डॉनचेन चैनल को आप लगाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या पता है। देखो दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड, और उसके बाद में भी रेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखो डॉनचेन चैनल को, इस वाली बीच वाली लाइन को ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि मार्टिकल कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। जब इस रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं पुट डायरेक्शन में, तो लॉस होती है, लेकिन जब ग्रीन कैंडल इस बीच वाली लाइन को ही ब्रेक करता जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एमडीजी कॉल डायरेक्शन में लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका एमडीजी विन आराम से हो रहा है। तो बस क्या नॉलेज का खेल है, आपको समझना चाहिए कि एमडीजी भी किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि मार्केट कहाँ कौन से कैंडल पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। दो बैक टू बैक ग्रीन, फिर रेड बन जाता है, तो आपको फिर रेड पर ट्रेड लेनी होगी। दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आते हैं, उसके बाद में एक नेक्स्ट रेड कैंडल आपको देखने को मिल जाता है, तो सीधा कैंडल पर, जो उसके बाद में कैंडल आएगा वो पुट डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यूज करना है, चलो ठीक है, बाय। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाय, सी यू टू, गाइस, लव यू।